शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी होने के कारण दुनिया भर में कई सेवाएं ठप हो गईं। इसका असर एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर पड़ा। भारत समेत दुनिया भर में एयरपोर्ट्स पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे फ्लाइट्स या तो लेट हो रही हैं या तो कैंसिल की जा रही है। इसका सीधा असर भारत में इंडिगो, स्पाइस जेट, अकासा एयर, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस की बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस पर हुआ। इसके साथ ही हैदराबाद और बेंगलुरु में कई कॉरपोरेट कंपनियों में वायरस अटैक की समस्या आई है, जिससे सिस्टम ब्लू स्क्रीन पर आने के बाद रीस्टार्ट हो रहे हैं। वहीं ब्रिटेन में एक प्रमुख टीवी चैनल को प्रसारण रोकना पड़ा। इसके साथ ही साथ एटीएम और बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। स्टॉक मार्केट में भी कामकाज पर असर पड़ा है। बता दें कि क्राउड स्ट्राइक के हालिया अपडेट के कारण माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं ठप हो गई हैं। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है। इसके कारण माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई है। इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, हमें समस्या की जानकारी है और हमें कई टीमों को इसे सुलझाने में लगाया है। हमने इसके कारण का पता लगा लिया है कि प्रभावित यूजर्स वे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो एप्लीकेशन और सर्विसेज को बनाने, डिप्लॉय और मैनेज करने का काम करता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और वन नोट शामिल है।